हेलो एवरीवन। सी रिसेंटली आप सबने एक न्यूज सुनी होगी। 18 नवंबर को, थर्सडे को, पास थर्सडे को, जो एचपीएससी के डेप्टी सेक्रेटरी हैं, जो कि एचसीएस 2016 बैच के ऑफिसर भी हैं, मिस्टर अनिल डागर, उन्हें करप्शन चार्जेस पे स्टेट विजिलेंस सेल ने अरेस्ट किया है। सी टोटल 3 ऑफिशियल्स, जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं एचपीएससी के, उन्हें अरेस्ट किया गया है ऑन करप्शन चार्जेस। डेंटल सर्जन का जो एग्जाम था उसके ऊपर करप्शन लेने के लिए उनपे एफआईआर भी रजिस्टर किया गया है। 1.07 करोड़ रिकवर हुए हैं, और जैसे जैसे केस आगे चल रहा है, मोर मनी हैज बिन रिकवर्ड। कुछ प्रॉपर्टी भी क्या की अटैच करी गई है इस प्रोसेस के अंदर। और देखिए, इस पूरे सिनेरियो के अंदर एचपीएससी ने अपने आने वाले जितने भी एग्जाम्स थे वो पोस्टपोन कर दिए और एक इंक्वायरी बिठाई है। सी जो एचसीएस का मेंस एग्जाम था, जिसका प्रीलिम्स 12 सितंबर को हुआ था, वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि दिसंबर में था। उसे भी एचपीएससी ने रिसेंट नोटिफिकेशन के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, एचसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ था कि अगर करप्शन चार्जेस इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पे लगे हैं, तो इंक्वायरी के अंदर हो सकता है कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर मैनिपुलेशन का स्कोप हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि क्या सर, एचसीएस प्रीलिम्स भी कैंसिल हो सकता है? कैन दैट ऑल्सो बी नलिफाइड? क्योंकि अगर डेंटल सर्जन के एग्जाम के अंदर करप्शन चार्जेस हैं, तो हो सकता है कि एचसीएस प्रीलिम्स के अंदर भी मार्क्स की मैनिपुलेशन की गई हो। बल्कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो रिपोर्ट किया भी है कि प्रीलिम्स के लिए अराउंड 1.29 करोड़ के अराउंड का पूरा डील हुआ था। ऑब्वियसली इस सबकी इंक्वायरी अभी चल रही है। सी, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सी, आपने ये न्यूज तो देखी ही है। ही हैज बीन अरेस्टेड। जो डेप्टी सेक्रेटरी हैं एचपीएससी के, वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएगी, चेक करने के लिए कि किन किन एग्जाम्स के अंदर उन्होंने करप्शन करी थी और मैनिपुलेशन किया था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी सिनेरियो है, ये जो भी हुआ है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट इज नॉट फेयर टू ऑल द हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स। सी, स्पेशली अगर एचसीएस प्रीलिम्स की भी जैसे रिपोर्ट आ रही है, अगर उसके अंदर भी ऐसा कुछ हुआ है, कट ऑफ आप सबको पता है बहुत हाई गई, 68+ गई है कट ऑफ जो गई है उसकी। सी, उसकी वजह से जो 10 अक्टूबर को यूपीएससी का मेंस था, उसमें भी एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत अच्छा स्कोर बन रहा था और उन्हें लग रहा था कि हम यूपीएससी वाला भी अच्छे से क्रैक कर लेंगे, जो कि अक्टूबर में था, लेकिन बहुत डिमोरलाइज हुए थे इसका रिजल्ट देख के। तो वो तो इंक्वायरी ही बताएगा कि कितना स्पेक्ट्रम है इस पूरे करप्शन स्कैंडल का, ये जैसा भी हुआ। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सी, जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है, 2 करोड़ और रिकवर हो गए हैं अब इनके यहाँ से, जिसके अंदर करप्शन प्रोसीड्स हैं सारी की सारी। तो अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि क्या एचसीएस का प्रीलिम्स भी नलिफाई होगा? क्योंकि देखो, मेंस तो पोस्टपोन किया हुआ है। देखिए, ये इंक्वायरी पे डिपेंड करता है। अब इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होगी, तब तक सारे एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। डेंटल सर्जन का पेपर तो 100% कैंसिल होगा, क्योंकि उसके अंदर तो रेड हैंडेड ही ये लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इसके लिए जो अब जब इंक्वायरी होगी, उसमें पता चलेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर ये करप्शन और कितने लोग इन्वॉल्व हैं, वो भी पता चलेगा। सो गवर्नमेंट इज वेरी फर्म, द सीएम इज वेरी फर्म दैट वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, कि ये जो करप्शन चार्जेस हैं, ये हम लाइक इसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएंगे, और जितना जल्दी हो सके ये सारा का सारा स्कैंडल सामने आएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि एचसीएस का प्रीलिम्स दोबारा होगा कि नहीं? देखिए, अगर तो इन्वॉल्वमेंट आती है, तो 100% ये पेपर कैंसिल होगा, 100% पेपर कैंसिल होगा और दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन अभी तक सिर्फ स्पेकुलेशन है, सिर्फ र्यूमर्स हैं कि एचसीएस प्रीलिम्स के अंदर भी पैसे लिए गए थे। हाँ, डेंटल सर्जन 100% कंफर्म्ड है, इसके लिए इंक्वायरी बैठी हुई है, तो जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही पता चलेगा। आई नो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज, क्योंकि एचपीएससी मिडिल एंड हायर लेवल गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज के लिए एग्जाम करवाता है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत एक अनफॉर्चुनेट न्यूज यहाँ पे सुनने को मिलती है। बट डोंट बी डिसहार्टेंड, इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, जस्टिस विल डेफिनेटली बी सर्व, है ना? तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, या उनका क्रेडिबल एफर्ट है कि स्टेट विजिलेंस सेल ने ही इस पूरे स्कैंडल को सामने लेके आए हैं। तो लेट्स होप जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से वो इंक्वायरी करते हैं, एंड देन वील सी। हाउ एवर, टू सम इट अप, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी बैड,
एचपीएससी के अगर एक पेपर में आपको करप्शन मिलती है तो स्कोप ये है कि पिछले एक साल में जब से ये डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह इंचार्ज हैं, बाकी पेपर्स के अंदर भी चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है कि इन लोगों ने करप्शन करी होगी। तो चांसेस तो यही है 80-90% कि ये एग्जाम भी कैंसिल होगा, ये एग्जाम भी एचसीएस वाला भी कैंसिल होगा, बट वी हैव टू वेट टिल इंक्वायरी, राइट?